भारत ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की और भारत इस वर्ल्ड कप में 8 में से 8 मैच जीत चुका है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने टीम को चेतावनी दी है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका को 234 रनों से हराने के बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों की सराहना की। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने रविवार को कोलकाता में बल्ले और गेंद दोनों से धांसू प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने कोहली और रविंद्र जडेजा की प्रशंसा भी की। रोहित शर्मा ने कहा, हम परिस्थितियों को देखते हुए बड़े अच्छे से खेले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हम उलझे थे, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने अच्छा काम किया। पिछले मैच में हमने पहला विकेट बहुत जल्दी गंवाया, लेकिन उसके बाद अच्छा स्कोर किया। इसके बाद भी कोहली ने परिस्थितियों को समझते हुए अच्छी बल्लेबाजी की। श्रेयस ने साझेदारी निभाई और उसके बाद गेंदबाजों ने काम पूरा कर दिया। रोहित ने आगे कहा, जिसको जो रोल दिया गया वो उस रोल को निभा रहा है। ऐसा नहीं था कि यह पिच शुरू में सख्त थी। हमने इस बारे में बात की थी कि शुरू में तेज खेलेंगे और अगर बाद में विकेट धीमा हुआ तो उसी तरह से प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। जडेजा हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। जब उनको बल्लेबाजी मिलती है तो वह रन बनाते हैं और जब गेंदबाजी मिलती है तो वह शानदार करते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा ने टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे के मैचों में हम ओवर कॉन्फिडेंट के साथ नहीं जाएंगे। बता दें कि भारत ने इस वर्ल्ड कप में 8 में से 8 मैचों में जीत दर्ज की है। 20 साल बाद भारत ने यह कारनामा कर दिखाया। इससे पहले टीम इंडिया ने साल 2003 विश्व कप में 8 मैचों में लगातार 8 मैच जीते थे। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे टॉप पर है, जो साल 2003 और 2007 में लगातार 11 मैच जीते थे। वही भारतीय टीम ने इस विश्व कप में लगातार 8 मैच जीतने के मामले में न्यूजीलैंड की बराबरी की, जिन्होंने ये कमाल 2015 विश्व कप में किया था। दोस्तों, विराट कोहली ने ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए अपने वनडे करियर का 49वां शतक जड़ा। विराट कोहली ने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वही तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा और चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग मौजूद है। विराट कोहली ने 277 वनडे पारियों में 49वां शतक जड़ा है। वहीं सचिन तेंदुलकर यहां तक पहुंचने में 452 पारियां खेली थी। तीसरे स्थान पर मौजूद रोहित शर्मा ने 251 पारियों में 31 शतक जड़े हैं। चौथे नंबर पर मौजूद हैं रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 365 पारियों में 30 शतक लगाए थे। वहीं सनत जयसूर्या ने 433 पारियों में 28 शतक लगाए थे। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग क्रिकेट डेप्थ एनालिसिस के लिए बाबा क्रिक अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें।